साल 2023 कई यादों के साथ ख़त्म होने को है। ये साल बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बेहद खास भी रहा और दुखद भी। ऐसे में हम आपको उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस साल इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। सतीश कौशिक, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और निर्माता सतीश कौशिक का 12 अगस्त 2023 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे गुरुग्राम में अपने फार्म हाउस पर थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सतीश कौशिक का जन्म 12 अगस्त 1951 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक में टेलीविजन से की थी। साथ ही उन्होंने कई लोकप्रिय टीवी शोज में काम किया जिनमें परवरिश, कदम कदम पर, हम पांच और महाभारत शामिल है। 1980 के दशक में सतीश कौशिक ने फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया जिनमें अमर अकबर एंथनी, आशिकी, मिस्टर इंडिया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जुदाई, परदेस, दिल चाहता है और थ्री इडियट्स शामिल हैं। सतीश कौशिक के निधन पर कई फिल्म हस्तियों और राजनीतिक नेताओं ने शोक भी व्यक्त किया। जावेद खान अमरोही, बॉलीवुड अभिनेता जावेद खान अमरोही का 14 फरवरी 2023 को मुंबई में निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु के कारणों का खुलासा नहीं किया गया। जावेद खान अमरोही का जन्म 14 फरवरी 1951 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। साथ ही उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया जिसमें लगान, अंदाज अपना अपना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, कभी खुशी कभी गम और चक दे इंडिया शामिल है। हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के दिग्गज अभिनेता गोपी पिंटल का 5 जून 2023 को मुंबई में निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। वैसे अभी उनकी मृत्यु की कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। गोपी पिंटल ने कुछ अहम फिल्मों में अपनी मुख्य भूमिका निभाई जैसे दावा, सुहाग, देश परदेश, घूम, महाभारत, हब्बाज, शक्तिमान, के विश्वनाथ। तेलुगु सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 3 फरवरी 2023 को निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। उनकी तबीयत बीते कुछ समय से ठीक नहीं थी। विश्वनाथ ने अपने करियर में 50 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया जिनमें शंकर भरणम, सागर संगमम जैसी कुछ फिल्में शामिल हैं। अखिल मिश्रा, अखिल मिश्रा एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता थे जिन्हें फिल्म थ्री इडियट्स में लाइब्रेरियन की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया है जिसमें उत्तरन, उड़ान, सीआईडी, श्रीमान श्रीमती, हातिम और कर्म आदि शामिल हैं। इसके अलावा सीआईडी में फ्रेंडिक्स के किरदार से घर घर में मशहूर हुए एक्टर दिनेश फडणीस ने हाल ही में दुनिया को अलविदा कह दिया। दिनेश के यू चले जाने से उनके फैंस और फैमिली को गहरा सदमा लगा है। हर कोई उन्हें याद कर भावुक हो गया। अनुपमा फेम एक्टर नितेश पांडे भी इस साल दुनिया को अलविदा कह गए। 24 मई 2023 को एक्टर की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई थी। सारा भाई वर्सेस सारा भाई फेम एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय ने भी इस साल 22 मई को दुनिया को अलविदा कह दिया। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का सुसाइड इस साल काफी चर्चा में रहा। खबरों की माने तो एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया था, हालांकि बाद में कहा गया कि एक्ट्रेस का मर्डर हुआ है। एक्टर आदित्य सिंह राजपूत भी इस साल सबको छोड़कर चले गए और हाल ही में जूनियर महमूद ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ। नमस्कार।